पिकोलो ड्रैगन बॉल सीरीज का काफी इंटरेस्टिंग करेक्टर रहा है। ड्रैगन बॉल सुपर हीरोज में उसकी हमने बहुत ही पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशंस देखने को मिली थी, जो कि है अल्टीमेट पिकोलो और ऑरेंज पिकोलो। ये दो ट्रांसफॉर्मेशंस आखिर कितनी पावरफुल है, क्या ये अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जितनी पावरफुल है या उसके बराबरी की है, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको कहना चाहूंगा, आज की वीडियो का लाइक हम रखते हैं 2K लाइक्स का। तो दोस्तों अगर आप सच्चे ड्रैगन बॉल फैंस हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं आपके लिए ऐसी कमाल की वीडियोस लाता रहूं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पिकोलो के दो फॉर्म्स जानने से पहले हम इसके ओरिजिन के बारे में जान लेते हैं। पिकोलो का फादर हुआ करता था, जिसका नाम था डीमन किंग पिकोलो, जो कि एक प्योर इवल होता है, लेकिन वो गोकू के हाथों मारा जाता है। डीमन पिकोलो का जन्म ऐसे हुआ था कि जो अर्थ के गार्जियन थे, जब उन्होंने देखा कि कामी के अंदर एक डीमन साइड भी है, तो उन्होंने कामी को बोला कि अभी भी तुम प्योर नहीं हो, तुम्हारे में एक इविल स्पिरिट अभी भी है। तो कामी ने मेडिटेशन करके अपने अंदर का जो डीमन स्पिरिट थी उसको बाहर निकाल देता है, जिससे किंग पिकोलो का जन्म होता है। नेमेकिंस का एक ही जेंडर होता है, ये बेसिकली मेल होते हैं। नेमेकिंस जो होते हैं वो मरने से पहले अपने मुंह से एक एग प्रोड्यूस करते हैं, जिससे एक नया नेमेकिन का बर्थ होता है, और वो ये इसलिए करते हैं ताकि वो साइकिल को आगे बढ़ा सके। और ये चीज डीमन किंग पिकोलो ने भी की थी। जब वो मरने वाला होता है तो वो मरने से पहले अपने मुंह से एक नेमेकिन को जन्म देता है, जो कि हमारा पिकोलो होता है। और अब तक का देखा जाए तो स्ट्रॉन्गेस्ट नेमेकिन पिकोलो ही है। नेमेकिंस रेस के पास बहुत स्पेशल एबिलिटीज होती है, जैसे खुद को रिजनरेट करना, हीलिंग पावर, और खुद की स्पीशीज के साथ फ्यूज हो सकते हैं, जिससे इनकी ताकत कहीं गुना ज्यादा बढ़ जाती है। और इनमें दो तरह के नेमेकिन होते हैं, एक वॉरियर क्लैन के और एक होते हैं ड्रैगन क्लैन के। वॉरियर क्लैन के नेमेकिन वो होते हैं जैसे कि हमारा पिकोलो है, जो नेचुरल फाइटर होते हैं, और ड्रैगन क्लैन के वो होते हैं जैसे कि हमारे डेंडे। इनके पास भी स्पेशल एबिलिटीज होती है, जैसे कि हीलिंग, और ये ड्रैगन बॉल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। नेमेकिन सेंस से काफी अलग होते हैं, ये काफी शांत नेचर के होते हैं। अब बात करते हैं पिकोलो की। पिकोलो पहले गोकू का दुश्मन हुआ करता था, लेकिन वो धीरे धीरे करके गोकू से मोटिवेट होके एक अच्छा नेमेकिन बन जाता है, जहां उसने अपने आप को गोहान के लिए सैक्रिफाइस किया था। पिकोलो पहले तो रेडिट से कमजोर होता है, जहां गोकू रेडिट्स को हरा नहीं पाता, वहां पिकोलो वो अपनी स्पेशल बीम कैनन टेक्निक से उसको हरा देता है। स्पेशल बीम कैनन एक ऐसी टेक्निक है जो ड्रैगन बॉल जी के कई विलन के पास थी, जैसे सेल और माजिन बू, बट उनको प्रॉपर यूज करना नहीं आता था। पिकोलो स्पेशल बीम कैनन को दूसरे तरह से यूज करता है, वो उसको चार्ज करता है, जिससे वो बीम इतनी पावरफुल हो जाती है कि सामने वाले का मरना पक्का हो जाता है, जैसे कि पिकोलो ने रेडिट्स पे किया था और गोहान ने भी यूज किया था सेल मैक्स को मारने के लिए। पिकोलो गोहान के लिए एक अच्छा मास्टर भी रहा है, जिसने गोहान को इतना रफ ट्रेनिंग दिया और उसको ताकतवर बनाया। जो भी गोहान आज है वो पिकोलो के वजह से ही है। उसके बाद फ्रीजा सागा में जब प्लेनेट नेमिक खतरे में था, तो उसने नेल से अपने बॉडी को फ्यूज करके वो बहुत पावरफुल हो गया था। उसने फ्रीजा को ऐसा टक्कर दिया था कि फ्रीजा को अपनी थर्ड फॉर्म तक जाना पड़ा था। फिर एंड्रॉइड सागा में जब वो कामी से फ्यूज हुआ था, तो उसकी पावर कहीं ज्यादा बढ़ जाती है और उसने एंड्रॉइड्स को सरपास भी कर दिया था। उस टाइम पिकोलो सुपर सेन 1 और गोकू वेजिटा से भी ताकतवर हो गया था, क्योंकि उस वक्त एंड्रॉइड्स वेजिटा और बाकी सेंस को हरा दिए थे। वहीं एंड्रॉइड अब पिकोलो से बुरी तरह हार रहे थे, लेकिन बू सागा से पिकोलो कमजोर हो जाता है। वो इवन सुप्रीम काई, जो सेल सागा के गोकू जितनी पावरफुल था, उससे भी वो कमजोर होता है, और वो ड्रैगन बॉल सुपर में भी वो काफी कमजोर हो जाता है। फ्रीजा वाले आर्क में वो एक फ्रीजा के मामूली सोल्जर से भी हार जाता है। पिकोलो के कमजोर होने का ये रीजन था, एक तो उसने ट्रेनिंग करना छोड़ दिया था, और गोकू वेजिटा इतने पावरफुल हो गए थे कि उसको जरूरत ही नहीं पड़ी। इसके वजह से वो ट्रेनिंग को प्रायोरिटी नहीं देता था और पिकोलो सिर्फ मेडिटेट करता रहता था। मे भी हो सकता है जब वो लास्ट टाइम कामी से फ्यूज हुआ था, तो उसमें कामी का भी इन्फ्लुएंस आ गया हो, लेकिन उसके बाद पिकोलो सीरियस हो जाता है। वो वापस से ट्रेनिंग करना शुरू हो जाता है। यूनिवर्स 6 वाली आर्क में जब उसका फाइट फ्रॉस्ट से हो रहा होता है, गोकू उसको बोलता है कि तुम शायद ही फ्रॉस्ट से पावरफुल हो, तो जब उसका
का फाइट फ्रॉस्ट से हो रहा होता है तो वो वेडोस का बनाया गया शील्ड या हम कहे बैरियर वो पिकलो की पावर से टूट जाता है जो कि वेजिटा और गोकू तक नहीं तोड़ पाए जब उनकी फाइट फ्रॉस्ट से हुई थी। पिकलो अपनी टेक्निक से और अपनी स्पेशल बीम कैनन से फ्रॉस्ट को हराने वाला होता है लेकिन फ्रॉस्ट चीटिंग करता है जिससे वो डिस्क्वालीफाइड हो जाता है और यही बात साफ हो जाती है कि वो फ्रॉस्ट से ताकतवर था। पिकलो पे पोटेंशियल बहुत है अगर वो गॉडली ट्रेनिंग करे जैसे गोकू वेजिटा करते हैं विस के साथ। अगर हमारा पिकलो ऐसी ट्रेनिंग करता तो वो भी गोकू और वेजिटा के तरह ताकतवर होता, मे बी उसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन भी होती। ड्रैगन बॉल सुपर हीरोज में हमने पिकलो की पूरी पोटेंशियल देखने को मिली थी जब वो शेरॉन से अपनी फुल पोटेंशियल अनलॉक करने को कहता है तो शेरॉन उसकी विश पूरी करता है। उसकी पोटेंशियल अनलॉक के बाद उसको दो फॉर्म्स मिलता है, एक येलो पिकलो और बोनस में शेरॉन उसको एक एक्स्ट्रा फॉर्म देता है जो कि है ऑरेंज पिकलो। येलो पिकलो वाली फॉर्म जिसको हम कह सकते हैं अल्टीमेट पिकलो वो गामा 2 और 1 से लड़ता है। ये गामाज 1 और 2 गोकू और वेजिटा से लड़ने के लिए बनाए गए थे सेल मैक्स के क्रिएटर के द्वारा। सेल मैक्स के क्रिएटर ने गोकू और वेजिटा पे स्पाई तक किया था ड्रैगन बॉल सुपर के फ्रीजा आर्क से लेके गोकू ब्लैक और मे बी ब्रॉली आर्क तक, ताकि उनके उस टाइम की जो पावर है गोकू और वेजिटा की उस चीज को नजर में रखते हुए इन गामास को बनाया गया था। लेकिन इन्होंने हो सकता है कि ब्रॉली वर्सेस गोजिटा की फाइट स्पाई किया हो तो गामास हो सकता है कि गोजिटा के बेस फॉर्म जितना पावरफुल हो। पिकलो की येलो फॉर्म जो है एटलीस्ट गोकू सुपर सैयन ब्लू जितनी पावरफुल तो होगी ही, और ये सेंस भी बनाती है क्योंकि गोहान भी अपनी अल्टीमेट फॉर्म में गोकू ब्लू को अच्छा फाइट दे रहा होता है और गोकू को मजबूरन सुपर सैयन ब्लू कायोकेन में ट्रांसफॉर्म होना पड़ता है तब जाके वो गोहान को हरा पाता है। तो हम कह सकते हैं कि अब पिकलो पे गॉडली पावर्स अचीव कर चुका है गामास। पिकलो को बहुत बुरी तरह पीट रहे होते हैं पिकलो को उसकी अल्टीमेट फॉर्म में, लेकिन पिकलो फाइनली अपनी जब ऑरेंज फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है तो वो गामास को एक ही पंच में उसको चार चांद दिखा देता है। इवन टोरियामा अपनी स्टेटमेंट देते हैं कि वो बहुत खुश हैं कि अब ऑरेंज पिकलो गोकू और वेजिटा की पावर्स के आसपास आ रहा है। लेकिन पिकलो की यही फॉर्म सेल मैक्स से भी लड़ती है जहाँ पे हमें इसकी ऑरेंज पिकलो वाली फॉर्म्स की कुछ एबिलिटीज का पता लगती है, जैसे पिकलो अपना बॉडी का साइज बढ़ा कर सकता है। पिकलो अपनी ऑरेंज फॉर्म में जब सेल से लड़ता है तो वो सेल मैक्स को भी कुछ हद तक बराबरी का मुकाबला दिया था। सेल मैक्स की पावर इतनी थी कि राइटर्स ने बोला था कि सेल अगर अपने परफेक्ट फॉर्म में होता तो वो इवन ब्रॉली से भी ज्यादा ताकतवर था। तो आप समझ सकते हो कि पिकलो की पावर में कितना अपग्रेड आया है। ये जो आर्क है ड्रैगन बॉल सुपर हीरोज का, ये मोरो आर्क और गर्नोला आर्क के बीच की ही है। तो हम कह सकते हैं कि पिकलो की ये ऑरेंज फॉर्म ये अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के आसपास हो सकती है। आपको क्या लगता है गाइस, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और दोस्तों साथ ही साथ मुझे ये भी बताना कि आपको पिकलो का कौन सा बैडेस्ट मोमेंट लगता है ड्रैगन बॉल जी से लेकर सुपर का। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों इस वीडियो का जो लाइक एम था 2K लाइक्स का वो जरूर पूरा कर देना। मुझे नहीं पता लाइक बटन पे स्पेशल बीम कैनन मारो या कामयामया मारो, बस 2K लाइक हो जाने चाहिए। और इस वीडियो को दबा के शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि मैं ऐसी कमाल की वीडियोस लाता रहूं। तो मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय।